तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल SMII पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा HDFC बैंक की, क्योंकि दोस्तों इसके कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके हैं और देख लेते हैं कि बैंक की परफॉर्मेंस कैसी रही है। क्योंकि दोस्तों, जैसे HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का मर्जर हुआ था, उसके बाद इन्वेस्टर्स में फियर था, पैनिक था कि आने वाले टाइम में बैंक कैसा परफॉर्म करेगा, इसकी एसेट क्वालिटी कैसी रहेगी और बैंक के प्रॉफिट में किस तरह की ग्रोथ होगी। तो आइए सारे डिटेल एक एक करके ले लेते हैं, बैंक के नंबर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में इसके स्टॉक की परफॉर्मेंस भी जानने की कोशिश करेंगे। तो नए आए हो दोस्तों, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि आने वाले सारे जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, HDFC बैंक ने जनवरी से लेके मार्च तक के क्वार्टरली नतीजे फिक्स कर दिए हैं, डिक्लेयर कर दिए हैं। यदि स्टैंड लोन नेट प्रॉफिट की बात करें तो इट हैज़ बिन रिपोर्टेड टू बी 16,512 करोड़ एज कम्पेयर टू 16,373 करोड़ इन द प्रसीडिंग दिसंबर क्वार्टर। द बैंक मर्ज्ड विद इट्स पेरेंट्स हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन दैट इज HDFC इन द जुलाई, विच मीन इट्स रिजल्ट्स आर नॉट कंपेरेबल ऑन ए जीयर ऑन जीयर बेसिस। तो दोस्तों, नंबर जो है वो जीयर ऑन जीयर बेसिस पे कंपेयर नहीं किए जा सकते, क्योंकि बैंक का मर्जर हो गया है विद द HDFC लिमिटेड। दोस्तों, ये जो बैंक है हमारे देश का बिगेस्ट प्राइवेट लेंडर है, और यहाँ पे यदि इसकी एसेट क्वालिटी देखें तो वो स्टेबल नज़र आ रही है, क्योंकि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स का जो मेन कारण था फियर का, वो एसेट क्वालिटी थी। तो मर्जर के बाद भी एसेट क्वालिटी स्टेबल है, आप देख सकते हो। NPA हैज़ बिन रिपोर्टेड टू बी 1.24% एज कम्पेयर टू 1.26% 3 मंथ्स अर्लियर। तो यहाँ पे ज़्यादा कोई चेंज नहीं आया है। सिमिलरली नेट NPA देखें तो दैट हैज़ बिन इंक्रीज मार्जिनली 0.33% फ्रॉम 0.31% इन द प्रीवियस क्वार्टर। तो क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे जो एसेट क्वालिटी है वहाँ पे कोई ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिला हुआ है। तो दोस्तों, आगे बढ़ लेते हैं, तो क्या ट्रेंड देखने को मिले है वो भी देखेंगे। जैसे हमने GNPA देखें तो टोटल जो इसके ग्रॉस NPAs हैं वो 31,173 के हैं, नेट NPA देखें तो वो 8,091 करोड़ के हैं। तो नेट रेवेन्यू देखें तो वो ज़रूर 47,240 करोड़ के अराउंड बढ़ गया है, इंक्लूसिव ऑफ द ट्रांजैक्शन गेन्स ऑफ 7,340 करोड़। तो यहाँ पे देख सकते हो बैंक का टोटल रेवेन्यू बढ़ गया है, 47,000 करोड़ आया है, तो वो तो चलो बढ़ना ही था, क्योंकि दोस्तों बैंक का मर्जर हो गया है, तो मर्जर के बाद तो नंबर्स इंप्रूव होने थे, बैंक की टोटल इनकम इंक्रीज होनी थी, तो उसके कारण नेट प्रॉफिट जो नेट रेवेन्यू है वहाँ पे बहुत ही शानदार ग्रोथ जो है वो देखने को मिल गई है। अब दोस्तों, नेट इनकम इंटरेस्ट देख लेते हैं, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट एंड पेड। क्योंकि दोस्तों, कोई भी बैंक क्या करता है, कुछ लोन देता है, उसके ऊपर बैंक को कुछ इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा होता है डिपॉजिट्स के ऊपर जो बैंक है उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। दोनों में जो डिफरेंस होता है उसको NII बोलते हैं। तो दिस हैज़ बिन ग्रू टू 29,080 करोड़ नियरली पर द रिपोर्टिंग क्वार्टर, बाई द अदर इनकम हैज़ आल्सो बिन ग्रू टू 70 करोड़ नियरली। तो यहाँ पे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट हो गई है, तो बैंक की इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ गई है, अदर इनकम भी बढ़ गई है, और साथ के साथ बैंक ने 19.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है। तो ये आपको ज़रूर नोट करना है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है इसके इन्वेस्टर्स के लिए, बहुत ही बड़ा डिविडेंड है दोस्तों। ये आप देख सकते हो कि इसके इन्वेस्टर्स को एक बड़ा डिविडेंड जो है वो मिल जाएगा। द बैंक हैज़ मेड हायर प्रोविजन्स अगेंस्ट द पोटेंशियल बैड लोन्स। तो प्रोविजन्स बढ़ गई हैं, बाई द लैंडिंग मार्जिन वाज स्टेबल। तो मार्जिन लेवल पर भी कोई ज़्यादा दिक्कत अभी लग नहीं रही है, क्योंकि दोस्तों दो ही पॉइंट्स थे यहाँ पे, फियर था, पैनिक था। एक है एसेट क्वालिटी, वो भी स्टेबल है, दूसरा है मार्जिन्स, तो मार्जिन्स भी क्वाइट स्टेबल नज़र आ रहे हैं। एंड HDFC's हायर बोरिंग कॉस्ट एंड लोअर जील्डिंग लोन बुक बेड ऑन द मर्ज्ड एंटिटीज मार्जिन्स। तो HDFC लिमिटेड के जो हाई कॉस्ट है और उसकी जो लोअरिंग जील्ड लोन बुक है,
वो जो बैंक के नंबर्स पे जरूर देखने को मिली हुई है। द दलाल स्ट्रीट, तो देख लेते हैं कि मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशंस थी। हैड एक्सपेक्टेड द लेंडर टू स्लो लोन ग्रोथ इन फेवर ऑफ द डिपॉजिट ग्रोथ अंटिल इट रिस्टोर्ड की रेशोज टू द प्री मर्जर लेवल्स। तो डिपॉजिट्स लेवल पे भी थोड़ा फियर फियर का माहौल जो है वो बना हुआ था। प्रोविजन्स जैसे हमने आपको बता दिया है, प्रोविजन्स बढ़ गई हैं, 13,500 करोड़ आई हैं एज कम्पेयर टू 10,900 करोड़ द बैंक सेड। यदि हम फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करें तो यहाँ पे जो टोटल प्रॉफिट है वो 64,060 करोड़ आया है, तो ये भी आप नोट सकते हो। लेकिन दोस्तों जो जो नंबर्स हैं वो हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में बैंक सिंगल एंटिटी था लेकिन अब मर्ज हो गया है, तो जो नंबर्स हैं वो तो इम्प्रूव होने थे। तो मेनली जो नंबर्स देखने हैं, रेवेन्यू बढ़ा है, चलो मेनली जो चीज़ देखने वाली है वो है बैंक की एसेट क्वालिटी और दूसरा है बैंक की कह सकते हो मार्जिन्स। तो दोनों ही स्टेबल जरूर नज़र आ रहे हैं। HDFC लिमिटेड का कुछ इम्पैक्ट जरूर नंबर्स पे देखने को मिल रहा है लेकिन ओवरऑल जो नंबर्स हैं वो स्टेबल ही नज़र आते दिखाई दे रहे हैं और बैंक ने एक शानदार डिविडेंड भी जो है वो डिक्लेयर कर दिया है, तो ये एक अच्छी बात है दोस्तों। इसलिए आने वाले टाइम में स्टॉक में ग्रोथ के चांसेस बन सकते हैं। पहले ये स्टॉक कुछ रिकवर कर चुका है, 1 मंथ में देखो 6.12% की ग्रोथ जरूर हो गई है और 1 मंथ में 6 मंथ में अभी भी बड़ी जो है गिरावट देखने को यहाँ पे मिली हुई है। पहले ये स्टॉक आप देख सकते हो कि 1700 को क्रॉस करने के बाद बड़ी गिरावट में चला गया था लेकिन अब स्लोली स्टडली रिकवरी जरूर दिख रही है जो कि आने वाले दिनों में कंटिन्यू रह सकती है। लेकिन दोस्तों ये स्टॉक अभी स्टेडिली ही ग्रो करेगा क्योंकि जब तक कंपैरिजन का डाटा नहीं मिल जाता, अभी एक दो जो मर्ज हुई हैं, मर्जर हुआ है HDFC का और HDFC बैंक का, अभी एक दो क्वार्टर हुए हैं, मेरे ख्याल से ये पहला क्वार्टर है जो मर्ज एंटिटी के कंप्लीट नंबर्स आए हैं, तो अभी 3-4 क्वार्टर और हैं जिसके बाद जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन डाटा है वो देखने को मिलेगा। अभी तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इतना ज़्यादा नंबर्स नहीं देखने को मिले हुए हैं। मार्जिन्स हैं और जो दूसरा आपका एसेट क्वालिटी है वो स्टेबल है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी एक दो क्वार्टर के और नंबर आएंगे फिर क्लैरिटी डिटेल में हो पाएगी कि बैंक में किस तरह की परफॉर्मेंस चल रही है और बैंक के नंबर्स किस तरह के, क्योंकि अभी कंपैरिजन का डाटा नहीं है। नेक्स्ट क्वार्टर में फिर भी आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर कर सकते हो। लेकिन दोस्तों बैंक अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, लॉन्ग टर्म में जरूर आपको अच्छे रिटर्न्स देगा और इसकी वैल्यूएशन भी ठीक है और एसेट क्वालिटी भी सही है। सो थैंक्स अगेन दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों HDFC बैंक जो है ना वो अब 1700 के टारगेट तक जाता आपको दिखाई दे सकता है इन द नेक्स्ट 6 मंथ क्योंकि नंबर स्टेबल हैं, एसेट क्वालिटी इज ऑल्सो स्टेबल। सो थैंक्स अगेन दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।